कोविड टीकाकरण के तहत बचे हुए फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण के लिए सोमवार को मॉपअप राउंड का आयोजन किया गया। 32 बूथों पर 3,476 कर्मियों की जगह 3,717 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें 3,267 पुरुष व 450 महिलाएं शामिल थीं। कुल 107% टीकाकरण से स्वास्थ्य विभाग काफी उत्साहित दिखा। जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, नगर निगम सहित 30 स्थानों पर 32 बूथ टीकाकरण के लिए बनाए गए थे। हर बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। नगर निगम, पुलिसकर्मी, राजस्व और पंचायती राज विभाग के फ्रंटलाइन वर्करों ने जबरदस्त उत्साह के बीच टीका लगवाया। इसके बाद वह करीब 30 मिनट तक डॉक्टरों की देखरेख में रहे। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जिला अस्पताल में बने बूथ का CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर NK पांडे ने निरीक्षण किया, जबकि महिला अस्पताल में SIC डॉक्टर माला सिन्हा और BRD मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बूथ का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। हर जगह इंतजाम बेहतर मिले, इस बीच स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के बाद वर्करों को 5 मंत्र भी दे रहे थे। आपको बता दें, हर बूथ पर गेट पर ही मास्क रखे गए थे। बिना मास्क के पहुंचने वाले कर्मियों को मास्क दिया जा रहा था। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी दी जा रही थी कि टीकाकरण के बाद भी मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सभी बूथों पर टीकाकरण पूरी तरह से सफल रहा। टीकाकरण के बाद लोगों को 30 मिनट निगरानी में रखा गया है। कहीं पर किसी को परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। यही वजह है कि लोग अब टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कुछ नहीं, हल्का सा नोट कराए हैं। आज 22 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण था, जिसमें कि हमारी 32 बूथों पर 3,476 लोगों का टीकाकरण होना था। और आज इतना अच्छा टीकाकरण हुआ कि हम लक्ष्य से पूरा आगे निकल गए। टोटल 3,717 लोगों ने टीका लगाया, करीब 107% का टीका लग गया और 45 लोग सेकेंड डोज का भी टीका लगवाए हैं। और हमारा परसेंटेज हमेशा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों में बहुत ही उत्साह था। पुलिस वाले, पुलिस विभाग के लोग और हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता सेनानी जो नगर निगम में काम करते हैं, वो लोग भी बिल्कुल ही लाइन लगा कर आज टीकाकरण करा रहे थे। और बहुत ही बूथों पर बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहा था। सर, अगला टीकाकरण कब होना है, क्या? अगला टीकाकरण जो है हमारी 25 तारीख को होना है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स का ही होना है। वो मॉपअप राउंड चलेगा और सेकेंड डोज का भी टीकाकरण होगा। सर,
सर इसके बाद जो आम पब्लिक के लिए टीकाकरण कब से प्रारंभ होने का कुछ अभी तक दिशा निर्देश जारी हो पाए? आम पब्लिक का टीकाकरण अगले महीने मार्च में 15 के पास आसपास होना है, जिसके लिए सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और हम लोग पॉपुलेशन बेस टारगेट तैयार कर रखे हैं। करीब 7.5 लाख लोगों का टीकाकरण होना है जो 50 साल से ऊपर के हैं। हम अपनी साइट का निर्धारण कर रहे हैं, करीब हमें 400 साइट लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें टीकाकरण जो है 15 सत्रों में ख़त्म करना है। सर अब तक फ्रंटलाइन वर्करों की कितने की जो सूची बनाई गई थी वो कितने लोगों का अब तक मतलब ये टीकाकरण हो पाया होगा? हम टोटल हम 75% से ऊपर फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण कर चुके हैं। सर कुछ अपील करना चाहेंगे थे अब आगे टीकाकरण होना है आम पब्लिक के लिए, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, अब हमारे ज़िले में इतना ज़्यादा लोगों ने टीकाकरण, कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोगों ने टीकाकरण करा लिया है और सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हमारे आला ऑफिसर्स भी सब लोगों ने टीका लगवा लिया है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। इवन मैं भी टीका लगवाया, सेकंड डोज भी मेरा पूरा हो चुका है, 19 तारीख को टीका लगवाया था और मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ। और मुझे इतना खुशी महसूस हो रही कि इस महामारी से हम बच गए हैं, और इसलिए सभी लोगों को जब भी इनकी बारी आए, जब भी हम बुलाएं या मैसेज जाए, तो सब लोग उस बूथ पर जाकर के टीकाकरण कराएं और हम महामारी से देश को मुक्ति दिलाएं।